नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें सबसे बड़ी खबर के साथ जो गांधरबल से आ रही है, जहां पर टनल कैंप में हमला करने वाले आतंकियों की तस्वीर सामने आई है। इसमें एक आतंकी हाथ में AK-47 राइफल लिए नजर आ रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इन आतंकियों ने कसाब के जैसे ही हथियार रखे थे। जी हाँ, वही कसाब जो मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। सामान के साथ हमले की तैयारी साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे गांधरबल का जो गुनहगार है, जिसने टनल कैंप में हमला किया था, उसकी ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है। जी न्यूज पर देख लीजिए, जिसमें एक आतंकी हाथ में AK-47 राइफल ये आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन ये तस्वीर देखकर आपको कसाब की याद जरूर आएगी, वही कसाब जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, ठीक वही तस्वीर। खास बात यह है कि देखिए, इन आतंकियों ने कसाब के जैसे ही हथियार रखे हुए हैं। कंधे पर बैग, हाथ में राइफल और वही नापाक इरादे। गांधरबल में टनल में हुए हमले के आतंकी की जो तस्वीर दिखी, उसने याद दिलाई मुंबई की और 26/11 में हुए हमले की। गांधरबल में गगननीर कंस्ट्रक्शन साइट पर हमले के आतंकियों की तस्वीर सामने आई। इसमें हाथ में AK-47 राइफल हाथ में लिए एक आतंकी इमारत में घुसता हुआ नजर आ रहा है, और ये तस्वीर मुंबई हमले के आतंकी कसाब की याद दिला रखी है। जिस तरह 26 नवंबर 2008 को अजमल कसाब मुंबई की सड़कों पर आतंक फैलाने निकला था, उसी तरह 20 अक्टूबर 2024 की देर रात इस आतंकी ने बड़े हमले को अंजाम दिया। कसाब की ही तरह इसके कंधे पर हथियारों से भरा हुआ बैग था और हाथ में AK-47 राइफल, और ये लगातार आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। इस आतंकी ने एक शॉल ओढ़ रखी है और ये रात के अंधेरे में दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ये तस्वीरें CCTV से ली गई हैं, जिसमें इसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया। खास बात यह कि इस आतंकी के हाथ में जो राइफल है, उस पर नीले रंग का एक टैग लगा है। सूत्रों के मुताबिक ये वही टैग है जो इससे पहले पीर पंजाल में हुए हमले में इस्तेमाल हथियारों में लगा होता था। इसके बाद अटैक में एक भी ग्रुप की थ्योरी सामने आ रही है। गांधरबल के गगनगीर में हमला अंजाम देने वाले मिलिटेंट की तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में वो हमला करते हुए दिख रहा है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर गौर करने वाली बात यह है कि उसकी बंदूक की नली पर एक ब्लू कलर का ग्रिप है, और सूत्र बता रहे हैं कि इसी किस्म का एमुनेशन अगस्त के महीने में रजौरी में एक हाइडआउट से बरामद किया गया था। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि क्या यहाँ पर जो ये हाईली ट्रेन मिलिटेंट पाकिस्तान ने भेजे है, क्या उनके पास एक ही सीरीज का हथियार है। दरअसल 20 अक्टूबर की देर रात गांधरबल के गगननीर इलाके में श्रीनगर ले नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। हमले में बड़गाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और 6 दूसरे कर्मचारी मारे गए थे, जिसके बाद से मारे गए लोगों के परिवार इंसाफ की मांग कर रहे थे। भैया, छोटी सी बेटी है उनकी, 4th में बच्ची पढ़ती है, बेटा 1st में है। क्या उम्र है, ये उम्र है जाने वाली, आप बताओ। ये बहुत अनर्थ हुआ, बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ हमारे पे बहुत अनर्थ हुआ, भगवान ने पता नहीं क्या किया। आतंकी की पहचान फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। कश्मीर में सक्रिय इस आतंकी संगठन ने पिछले 1.5 साल में कश्मीरी पंडितों, सिखों और नॉन लोकल को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के जो ISI है, उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया है, आतंकवादी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट, बेचारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, और ये उसका मोबाइल MND है, क्योंकि हमारी आर्मी, BSF, CRPF सब जगह काफ़ी तगड़ी हो गई है। लेकिन ये इन्होंने सोचा कि अब हम सिविलियंस को तंग करें, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर में है वो जो टेररिज्म हो रहा है वो कुछ कम ना हो। इस हमले के बाद बाकी प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। जम्मू के अखनूर में चल रहे प्रोजेक्ट्स में सुरक्षा कड़ी कर दी गई।
कश्मीर घाटी के गांधरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद अब सभी प्रवासी मजदूर जहां जहां पर भी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, खासतौर पर जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जब प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, वहां पर जो सुरक्षा घेरा है वो यहां पर बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से गांधरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक जेड मो टनल जो है वो वहां पर बन रही थी, जहां पर एक कैंप पर जहां पर प्रवासी मजदूर और देश के अलग अलग हिस्सों से आए वहां पर लोग जो है काम करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उन पर यह हमला किया गया था। अगर बात करें तो 4 मजदूर, इसके अलावा एक मैकेनिकल मैनेजर, एक जो है वो आर्किटेक्ट डिजाइनर और साथ ही साथ एक डॉक्टर थे, उनकी निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी यहां पर सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। हमले के बाद गांधरबल और गगनमीर के जंगलों में देर रात से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। हमले की जांच और हाई अलर्ट के चलते नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी NIA भी गांधरबल पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला हुआ है। गैर कश्मीरी को एक बार फिर से आतंकियों ने निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि यूपी के प्रीतम सिंह हमले में घायल हुए हैं, उनके दाहिने हाथ में हल्की चोट आई है। फिलहाल चिकित्सा सहायता के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गैर कश्मीरी को इस तरीके से निशाना बनाया गया हो। पिछले 1.5 हफ्ते में लगातार ये तीसरी ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जहां पर एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया गया। Z News.